की बहुत खुशी है, जो हमने सच्चाई बताई थी वो आज सामने सच्चाई सामने आई। इनके लोग कहते थे खट्टा सिंह झूठ मार रहा है, खट्टा सिंह ऐसे कर रहा है, वो आज माननीय कोर्ट ने सारा साबित करता, जो मेरी अगुवाई थी उस पर आज इनको सजा हो गई है और उम्र कैद की सजा हो गई है और 50,000 जुर्माना लग गया। सुनाई जा रही थी खट्टा सिंह जी, जब ये बताएं बहुत दिन रात का फर्क था, रक्षम बहुत नीचे देख रहा था और जज साहब ने जब बैठा तो जज साहब ने बात करनी चाहिए तो जज साहब ने कहा खड़ा होकर बात कर, फिर उसने हाथ बांध के आगे फिर जज साहब से बात की और उन्होंने पूछा भी तेरे कितने बच्चे हैं, कितना कौन परिवार है। उसने तीन लड़कियों का नाम लिया, तीन लड़कियों का कहा, एक माता का नाम लिया और यही नाम लिया आपके बेटे का, उसके का और उसके अपने घरवाली का, किसी का आज नाम नहीं लिया अपने। कितनी बड़ी जीत समझ। खट्टा जी ये बताए कि किसी तरह से रहम की गुहार की उनके वकीलों ने कहा था भी ये अपने अपने इतने अच्छे काम करते हैं, ये इतना समाज सेवा की है और उस पे तीनों केस एक जैसी हैं और जो भी मोटी मोटी सजा सुनाओ तो उसी के साथ। गुरमीत सिंह ने भी कुछ बोला था इस मामले को? गुरमीत सिंह ने कह दिया था भी मेरे जो वकील कह रहे हैं वो ठीक है, मैं जो भी वकील बोलेंगे मेरे वही ठीक है। सजा सुनाने में काफ़ी समय लगा, ऐसा क्यों हुआ? वो काफ़ी अपने कानूनी कार्रवाई होती है, कोर्ट की ऑर्डर लिखने होते हैं, जैसे सुनारिया जेल पहले भेजना पड़ता है उनको, फिर अंबाला भेजे उसको, उधर से आए कागज इतना, उसको जजमेंट लिख ऑर्डर लिखने पे कुछ टाइम लग गया, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। साध्वी यौन शोषण मामले में और फिर अब रामचंद्र छत्रपति मामले में आपने पूरा संघर्ष किया, आपने पूरी जंग लड़ी है, आज इस पर फैसला आया है, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी सच्चाई और जो मैं अखी देखा कन्नी सुना वो सामने माननीय कोर्ट के रखा और बयान दिए, उसकी आज सच्चाई जीत हुई है सच की और मैं बहुत खुश हूँ उस परमात्मा सच्चे पातशाह वाहिगुरु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और लोग कहते थे खट्टा सिंह झूठ बोल रहा है, खट्टा सिंह ऐसे कर रहा है, वो आज सामने माननीय जज जगदीश सिंह जी ने सामने लिया के रख दिया और मैं जज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सलूट कर दें जो उन्होंने सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी सामने रखा। बिल्कुल होगी, उसमें भी होगी, जो 400 साधु नामपुस्तक बनाए हैं उसमें भी कम से कम इनको फांसी की सजा होगी। रणजीत सिंह का मामला भी अभी पेंडिंग है? हाँ, रणजीत सिंह का भी अभी पेंडिंग है, वो 19 तारीख से अभी शुरू होगा।